तुम्हारी सीधी भी इसके पीछे दास है। ऐसे ही कुछ सच है महानायक अमिताभ। कोलकाता रेडियो अनाउंस और एक शिपिंग कंपनी एग्जीक्यूटिव। फिल्मों आने से पहले अमिताभ कोलकाता में रेडियो अनाउंस और एक शिपिंग कंपनी में नौकरी कर रहे थे। 1968 और मुंबई का अमिताभ बच्चन की फैमिली का नेहरू परिवार से अच्छा रिलेशन था। इसीलिए जब शुरुआती दौर में जब अमिताभ ने मुंबई का रुख किया तब उनके हाथ इंदिरा गांधी का एक सिफारिश खत भी था। 1969 अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तान अपने मदर फादर के साथ सिनेमा शीला में देखी। इसी शीला सिनेमा में अमिताभ कॉलेज के दिनों कई बार उन्हें भी देखा। फिल्म गुड्डी से अमिताभ को झटका। ऋषिकेश मुखर्जी ने गुड्डी फिल्म में हीरो के तौर पर अमिताभ को पहले साइन किया। यही नहीं, अमिताभ के साथ कई सीन भी शूट कर लिए लेकिन बाद में अमिताभ को फिल्म से हटा दिया। गुड्डी के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ कई सुपरहिट फिल्में की जैसे मिली, चुपके चुपके, अपनी मां। अमिताभ बच्चन ने लगभग 12 फिल्मों में डबल रोल, इतना ही नहीं फिल्म महान में तो ट्रिपल रोल भी किया। सिलसिला ये ऐसी फिल्म जिसमें शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का किरदार। दीवार दो और दो पांच सुहाग, इन फिल्मों में अमिताभ ने बड़े भाई का किरदार निभाया। अमिताभ और रेखा की नजदीकियों, अमिताभ और रेखा की नजदीकियों ने अमिताभ के घर में कई बार हंगामा भी करवाया। रेखा दिल से अमिताभ को चाहती लेकिन अमिताभ हमेशा इस रिश्ते को लेकर चुप थे। अमिताभ बच्चन टाइम के बहुत पाबंद थे, इसलिए फिल्म स्टूडियो या कहीं भी शूटिंग हो अमिताभ बच्चन टाइम से पहले पहुंचते और स्टूडियो का गेट भी खुद ही खोलते। खुली फिल्म एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और कई बार जिंदगी और मौत की लड़ाई में आखिर जीत अमिताभ की हुई।